हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड में गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 5 प्रतिष्ठान को किया सीज। दुकानों के अंदर ग्राहकों को बैठाकर बाहर के शटर बंद कर सामान बेचते पाए गए। उन दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के लिए 5 दुकानों को किया सीज। सोजत रोड कस्बे में शुक्रवार को संयुक्त प्रवर्तन दल कोविड-19 सोजत रोड ने मार्केट का पैदल भ्रमण किया, राज्य सरकार की नवीन गाइडलाइन की जानकारी दी, गैर अनुमत दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की। साड़ी सेंटर बगड़ी रोड, आशापुरा मोबाइल, मातेश्वरी फैशन, सुभाष मार्ग, हरि ओम गवर्नमेंट, महालक्ष्मी मंदिर के पास, शरीफ म्यूजिक सेंटर, मेन बाजार को सील किया गया। दल में संयुक्त प्रवर्तन दल प्रभारी जयदेव शर्मा, राजस्व निरीक्षक कमलेश मीणा, थाना अधिकारी सीमा जाखड़, जेईटी राम सिंह राजपुरोहित, चंद्रशेखर, पुरुषोत्तम दिलीप सिंह जेतावत, शेरा राम चौधरी, चेला राम चौधरी, बगदा राम जांगिड़, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश लोहार, भगाराम सिर्वी कार्रवाई में उपस्थित थे। प्रभारी जयदेव शर्मा के अनुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।